तो दोस्तों जो लोग भी LIC के IPO का इंतजार कर रहे थे तो उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, क्योंकि जो LIC का IPO है उसकी डेट फिक्स हो गई है। आज LIC के IPO को लेकर मीटिंग थी, उसके बाद क्या कि इसकी डेट वगैरह फिक्स कर दी गई, प्राइस बैंड वगैरह भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल गया है। और क्या है कि अब इसकी डेट जो है रखी गई है 4 मई को, 4 मई को ये ओपन होगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 9 मई को, मतलब ये 4 मई से लेकर 9 मई के बीच में LIC का IPO ओपन रहेगा। और दोस्तों इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है, मतलब हमें अलॉटमेंट जो पता चलेगा 14 मई को, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है, मतलब ये शेयर मार्केट के अंदर जो लिस्ट होगा वो होगा 17 मई को। और इसका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार रखा गया है के फिनटेक को, मतलब के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 902 रुपये से लेकर 949 रुपये के बीच में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस बैंड है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महंगा है तो ये महंगा नहीं है, जो LIC की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की नंबर वन कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो उसका प्राइस बैंड इतना तो बनता ही है। और पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि 2000 रुपये के आसपास इसका प्राइस बैंड हो सकता है, पर 900 रुपये के आसपास इसका प्राइस बैंड रखा है तो ये रीजनेबल प्राइस बैंड है। और इसका मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है, तो 13-14 शेयर्स का ये इसका मार्केट लॉट हो सकता है। और दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में भी बता रहा है लगभग 50 रुपये पर शेयर के आसपास। और दोस्तों इसके अंदर जो डिस्काउंट मिलेगा पॉलिसी होल्डर्स को, मतलब 949 रुपये इसका, 902 रुपये से लेकर 949 रुपये इसका प्राइस बैंड है, तो जो पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलेगा लगभग 60 रुपये के आसपास। और उसके अलावा रिटेल और एम्प्लॉयज को जो डिस्काउंट मिलेगा लगभग 40 रुपये का। और बाकी पूरी डिटेल के अंदर जानकारी कल तक आ जाएगी, और इसके ऊपर पूरा रिव्यू का वीडियो भी कल तक आपको मिल जाएगा कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी कल तक। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन पर दबा दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों ये लिस्ट हो जाने के बाद, LIC का जो IPO लिस्ट हो जाने के बाद, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर इसका नंबर आ जाएगा, मतलब मार्केट कैप के अनुसार ये 5वें नंबर की कंपनी हो जाएगी LIC। और दोस्तों जो इसका IPO का इश्यू साइज रखा गया है 21,000 करोड़ रुपए का, पहले इसका जो इश्यू साइज रखा गया था 1,00,000 करोड़ रुपए का, जिसका 60 से 65,000 करोड़ कर दिया गया। अब मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए 21,000 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज कर दिया गया है, जिसके अंदर ये 3.5% का स्टेक सेल करेगी, और ये पूरा जो IPO है ऑफर फॉर सेल के अंदर होने वाला है। और दोस्तों अगर आपके पास अभी भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अभी अपस्टॉक्स के अंदर क्या है कि ऑफर चल रहा है फ्री में डीमेट अकाउंट का, तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों LIC के IPO के रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।